रूस और चीन के हथियारों को लेकर होड़ से क्यों चिंतित है यूरोपीय देश और अमेरिका की नेवी खतरनाक हथियार से लैस किस एयरक्राफ्ट को तैयार करने में लगी हुई है। रूस का खतरनाक बम 12,000 तक दुश्मनों को निशाना बना सकता है। अमेरिका समंदर में चलने वाला ड्रोन क्यों बना रहा है, इन खबरों के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जर्मनी ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जर्मन मीडिया ने कहा कि रूस और चीन को देखते हुए सुपरसोनिक हथियारों की होड़ लग जाएगी। कुछ दिन पहले बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका ने जर्मनी में अपने सैन्य अड्डे को अलर्ट कर दिया था। अमेरिका की सेना कयामत के दिन के लिए एयरक्राफ्ट तैयार कर रही है। यूएस नेवी को जल्द ही लॉकहीड मार्टिन C-130J-30 हरक्यूलिस का आधुनिक वर्जन मिलेगा। इस विमान को टेक चार्ज एंड मूव आउट की जीवित परमाणु संचार भूमिका निभाने के लिए मैदान में उतारा जाएगा। अमेरिकी सेना अंडरवाटर ड्रोन्स पर तेजी से काम कर रही है। अमेरिकी नौसेना ने स्नेक हेड मानव रहित अंडरवाटर व्हीकल के फेज 2 ट्रायल में टेंडर जारी किए हैं। प्रस्ताव में 2 स्नेक हेड प्रोटोटाइप के डिजाइन, विकास और निर्माण शामिल है। ईरानी परमाणु साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद ईरान की ओर से हमले की आशंका को देखते हुए इसराइल ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सरगना हसन नसरुल्ला ने मोहसिन फखरीजादे की हत्या में इसराइल और अमेरिका का हाथ बताया है। हसन नसरुल्ला ने खुद को इसराइल और अमेरिका के निशाने पर बताया। समंदर में रूस ने की युद्ध की तैयारी। जापान सागर में रूस के मार्शल शापोस्तिकोव युद्धपोत से मिसाइल और टॉरपीडो टेस्ट किए। इस दौरान A-190 आर्टिलरी यूनिट और 30mm 6 बैरल कैनन दागे गए। इस क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक PAK-DA का निर्माण शुरू कर दिया है। प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं। PAK-DA का निर्माण टुपोलोव कर रही है। अगली पीढ़ी का स्टेल्थ बॉम्बर 12,000 किलोमीटर तक दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। रूस ने मौजूदा हालात में अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए बड़ी तैयारी की है। रूस पहली बार बड़े पैमाने पर लड़ाकू जहाजों का उत्पादन करेगा। रूस 5th जनरेशन के लड़ाकू जेट Sukhoi-57 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा। नागोर्नो काराबाख जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध को रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घंटों तक फोन पर बात करते थे। रूसी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कई बार पूरे दिन पुतिन अपने हाथ में फोन लिए बिता देते थे। पुतिन कई बार तुर्की के राष्ट्रपति से भी बात करते थे। अमेरिका और रूस की बढ़ती सैन्य ताकत से घबराया चीन अब अपने फेल फाइटर प्लेन्स को आधुनिक बनाने में जुटा है। चीन में J-11 के अपर वर्जन J-11B को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड आरे रडार लगाए गए हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।